नमस्कार, मैं नेहा सिंह द डेली टाइम में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया दिन भर के बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 15 खबरों पर। भारत में कोविशील्ड टीके के बाद ब्लडिंग क्वालिटी की 26 केस मिलने की आशंका, रिपोर्ट। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन समिति बनाने की मांग। आंध्र प्रदेश में मई के अंत तक के लिए लागू हुआ कोरोना कर्फ्यू, सीएमओ ने दी जानकारी। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को किया ढेर। प्राइवेसी पॉलिसी पर अड़ा रहा व्हाट्सएप, कहा ना मानने वाले नहीं कर पाएंगे यूज। तौकते चक्रवात के चलते आज 3 घंटे बंद रहेगा मुंबई का एयरपोर्ट। ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हाकिम से सीबीआई ने की नारदा केस में पूछताछ। दिल्ली में आतंकी अरेस्ट, साधु वेश में नरसिंहानंद की हत्या की थी साजिश। मुंबई में तावते की तबाही, कई पेड़ उखड़े, 114 किलोमीटर की रफ्तार से थी आंधी। 26 दिन बाद भारत में कोरोना केस 3 लाख से नीचे। केंद्र का दावा, राज्यों के पास कोविड-19 टीकों की 2 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध। संयुक्त राष्ट्र का आह्वान, रोका जाए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। मंत्रियों की गिरफ्तारी पर भड़के टीएमसी, ममता बोली मुझे गिरफ्तार करो। कोरोना मामलों में दिखी गिरावट, WHO ने चेताया अभी फिर गंभीर होंगे हालात। बॉल टैंपिंग विवाद पर डेविड वार्नर के मैनेजर जेम्स स्किन का बड़ा बयान, कहा जांच मजाक थी।